नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोकाइंड सिरप के बारे में कि न्यूरोकाइंड सिरप का प्रयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है और किन चीज़ों में नहीं देना चाहिए, क्या इसका डोज रहता है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इन सबको डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें, क्योंकि दवाइयों की अधूरी जानकारी बहुत ही घातक होती है। चलिए हम वीडियो को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। देखिए, जो न्यूरोकाइंड सिरप होती है इसके अंदर हमें मिकोबालामाइन, विटामिन्स और मिनरल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप विटामिन्स जान सकते हैं कि इसके अंदर B6, बायोटिन, जिंक सल्फेट, पोटेशियम आयोडीन या एलाइसिन, मोनोहाइड्रोक्साइड या एप्सोल एल्कोहल, ये सब ऑल कंटेंट देखने को हमें मिलते हैं, यानी ऑल मिनरल्स और विटामिन देखने को मिलते हैं। वहीं हम इस सिरप के बारे में बात करें कि इस सिरप को मैनकाइंड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मैनकाइंड का एक डिवीज़न होता है मैगनेट, तो मैगनेट डिवीज़न इसको मैन्युफैक्चर करता है। अब बात आती है कि यह कितने ml में अवेलेबल रहती है, तो यह 210 ml की पैकेजिंग में अवेलेबल रहती है और इसकी MRP 155 रुपये है, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल मिल जाती है। अब बात आती है इसके यूजर्स के बारे में कि इनका प्रयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। तो इसका प्रयोग पोषण की कमी, हमारी बॉडी के अंदर पोषण की कमी हो जाती है, या डायबिटिक न्यूरोपैथी, हमें हमारी बॉडी के अंदर कमजोरी, थकान, चक्कर जैसे महसूस होते हैं, तो इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है और अच्छा रिजल्ट देखने को हमें मिलता है। या हमारी बॉडी के अंदर पैरों में जलन आदि देखने को मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में न्यूरोकाइंड सिरप का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको प्रॉब्लम में दे दिया जाता है। वहीं हम नेक्स्ट बात करें इसके डोजेस के बारे में कि इसका डोज क्या दिया जाता है। तो वैसे तो इसका डोज इस पर खुद मेंशन होता है कि एज अ डायरेक्ट बाय द फिजिशियन, बट अप्रोक्स 15 ml दिन में एक बार एक एडल्ट व्यक्ति के लिए दे दी जाती है। तो यह इस सिरप के ऊपर भी मेंशन रहता है ये चीज़। वहीं अब हम बात करें कि यह बच्चों की पहुंच से दूर रखना होता है और इसको सेक बेल बिफोर यूज़, मतलब इसको अच्छे से हिलाने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि यह एलोपैथिक दवाई है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। साइड इफ़ेक्ट में देखें अगर हम, तो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। इसका जो इसके सब्सटेंस होते हैं, इनसे एलर्जी होने वाले पेशेंट्स के लिए, या स्टमक अपसेट हो जाना, कई बार पेशेंट्स में देखा गया है, कुछ ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं इसका स्टमक अपसेट हो जाता है, या हेडेक भी देखने को मिल रहा है, या एनी एलर्जिक कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो इस सिरप का प्रयोग डॉक्टर की निगरानी में करना चाहिए। और बात आती है कि इसके लीवर, किडनी, एल्कोहल ड्राइविंग, इन सब चीज़ों में भी इसका प्रयोग डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए, या प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में भी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद इस सिरप का प्रयोग करना चाहिए। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करें हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।